वैसे तो दुनिया में कई ऐसे जानवर हैं जो अपनी अलग अलग खूबियों के कारण मशहूर हैं। वहीं कुछ ऐसे भी जानवर हैं जिनका खतरनाक जहर ही इनकी पहचान है। इनके शरीर से निकलने वाला यह जहर इतना घातक है कि इंसान ही नहीं बल्कि बड़े से बड़ा जानवर भी मिनटों में अपनी जान गंवा सकता है। हालांकि सांप और बिच्छू जैसे जानवरों के बारे में आप पहले से जानते ही होंगे, लेकिन आज हम इन दोनों शैतानों के अलावा दो ऐसे मछलियों के बारे में बताने वाला हूं इनसे भी खतरनाक, इनके बारे में जानकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब हमने खतरनाक मछलियों के नाम लिए होंगे तब आपके मन में सांप का ख्याल आएगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। पहले नंबर पर बॉक्स जेलीफिश है। इसे समुद्र का सबसे जहरीला मछली कहा जाता है। इसके डंक में इतना खतरनाक जहर मौजूद होता है कि कोई भी इंसान मिनटों के अंदर अपना जान गंवा सकता है। वहीं एक आंकड़े की माने तो फिलीपींस में हर साल 30 से 40 लोगों की मौत इसी बॉक्स जेलीफिश के डंक मारने से हो जाती है। इसकी एक और खास बात है कि इसकी शरीर ट्रांसपेरेंट होता है, जिस कारण से पानी में ये आसानी से नजर नहीं आता है। इसी कारण लोग इसका शिकार बन जाते हैं। दूसरे नंबर पर स्टोनफिश आता है। बॉक्स जेलीफिश के बाद अब जिस जीव का नाम हमारे लिस्ट में है उसका नाम स्टोनफिश है, और यह भी एक समुद्री जीव है। यह मछली अपने शरीर में मौजूद विषैले जहर के लिए जानी जाती है। इसके शरीर से निकला हुआ जहर इतना घातक होता है कि अगर समय पर इलाज ना मिले तो किसी इंसान या जानवर की मौत मिनटों में हो सकती है। यही कारण है कि दुनिया में इसे सबसे जहरीली मछलियों में शामिल किया जाता है। स्टोनफिश अपने जहर के लिए तो जानी ही जाती है। साथ ही इसका हमला बहुत ही कुखार होता है, क्योंकि ये अपने शिकार को छुपकर मारने में माहिर है। यानी आप इसे समुद्र की एक साथी मछली भी कह सकते हैं। वैसे आपको बता दें, एक स्टोनफिश की लंबाई 15 से 20 इंच होता है। यह प्रायः अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के पूर्वी तट पर पाया जाता है।